बीते 1 मार्च से रहस्यमय परिस्थिति में लापता पटना के NMCH के फार्माकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष सह परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। सोमवार को पटना में SSP राजीव कुमार मिश्रा ने उनके बारे में जानकारी देने वालों को 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। हालांकि जानकारी देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। SSP के मुताबिक अब तक 100 से अधिक CCTV कैमरों को पुलिस ने खंगाला है, लेकिन किसी भी फुटेज को देखने के बाद ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर के साथ कोई अनहोनी हुई हो। उनके या गाड़ी के आसपास कोई संदिग्ध हरकत भी नहीं दिखी। पुलिस टीम ने उनके घर से लेकर गांधी सेतु के बीच लगे कैमरों को एक्सपर्ट की मदद से खंगाला। SDRF की टीम ने गंगा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ने डॉक्टर की कार की FSL जांच भी करवाई, किसी तरह की संदेहास्पद रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जिस CCTV फुटेज में डॉक्टर गांधी सेतु पर पैदल जाते दिख रहे हैं, उसे जांच के लिए CFSL भेजा गया है। 1 मार्च यानी जिस दिन डॉक्टर गायब हुए, उस रोज उनके खाते से 49,000 की निकासी हुई। हालांकि जांच में ये बात सामने आई कि ये निकासी डॉक्टर के घर के रेनोवेशन के लिए की गई। डॉक्टर के खाते से किसी प्रकार का कोई संदिग्ध ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। उनके सभी बैंक खातों के जांच के दौरान ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का ट्रांजेक्शन होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में करीब 52 लोगों से पूछताछ की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।